गंगा वॉशिंग पाउडर, वॉशिंग पाउडर गंगा, गंगा जैसी चम चम चमकने के लिए गंगा वॉशिंग पाउडर का इस्तेमाल कीजिए। टिंग टोंग। तुम ऐसी बातें करते हो तो मुझे बहुत डर लगता है। क्यों? तुम कौन और मैं कौन? तुम्हारी जाति क्या, मेरी जाति क्या? कितनी बड़ी बात बोल दी गंगा तुमने। मुझसे कोई जाति की बात करे मुझे पसंद नहीं है। गोरे लोगों ने हम लोगों को अगर आजादी दी है तो गांधी की मेहनत और त्याग को देखकर, उनकी जाति या धर्म देखकर नहीं। वो भी छोड़ो, कुछ मर्द लोग अपनी पत्नी से डरकर घर में कपड़े धोते हैं, वो तुम्हारी जाति के नहीं है क्या? और कुछ मर्द अपनी औरतों को काम पर भेजकर खुद खाना बनाकर खाते हैं, क्या वो मेरी जाति के हैं क्या? ऐसा नहीं है ना? नो, नेवर। मेरे दिल में सिर्फ दो ही जातियां हैं, एक औरत जाति और दूसरी मर्द जाति। मैं तुम्हारे गले में मंगलसूत्र बांधूंगा तो तुम मेरी जाति की होगी, हम दोनों एक जाति के होंगे, हम दोनों एक जाति के होंगे। तुम कितने होशियार हो, इतनी अच्छी बातें करते हो, तुम्हें कहीं और रहना चाहिए। हाँ हाँ, मालिक को पता चला तो कहीं और नहीं, तुम दोनों को सीधा यहाँ से ऊपर भेज देंगे। अबे पतिला से मारूंगा तेरा मुंह फूट जाएगा बे। मेन कुक होकर मैं बात कर रहा हूँ, तू असिस्टेंट होकर के बीच में टांग क्यों उड़ा रहा बे? अबे ऐसा क्या देख रहे, नियत खराब हो गई क्या? अबे उस हंडे में कैसा दाग लगा है, ठीक से साफ कर उसे। चल साफ कर वरना मार डालूंगा। वाह, इतनी दूर से इतना छोटा सा दाग तुम्हें दिख गया, तुम्हारी नजर मामूली नहीं है। तो फिर बहुत तेज नजर है, बहुत ही खुशकिस्मत हो। क्या फायदा, मैं तो आधी किस्मत वाला हूँ। आधी तेरी है, मेरी सोना, मेरी जानू, चांद का टुकड़ा, चांद का टुकड़ा। अरे बाप रे बाप, क्या कमरा है, क्या कमरा है, पाताल भैरवी फिल्म के राजकुमारी के कमरे जैसा लग रहा है। पलंग, मेरा पलंग। क्या कर रहे थे? बिस्तर ऐसे नहीं लगाते, पकड़ो, खोलो। ओफो, अरे बाप रे बाप, ये सब क्या है मैन साहब? ये सब चेहरे पर लगाने के लिए। ओहो, ये सब लगाने से ही आप इतनी खूबसूरत लगती हो ना। मैं भी लगा लूं क्या? लगा लो। हम आ गए नंदिनी। आज कौन सा खेल खेलें? इतनी उदास क्यों है? कुछ नहीं, उस दिन जब से तुम लोगों ने कहा तब से खेत में खेलने का, तालाब में नहाने का, बगीचे में घूमने का मेरा भी मन कर रहा है, लेकिन कैसे बाहर जाऊं, कौन बाहर ले जाएगा? तुम लोग मुझे बाहर ले जाओगी क्या? अरे बाप रे, हम लोग? तेरे भाइयों को पता चलेगा तो हमें मार डालेंगे। ट्रोटांग ट्रोटांग। हे, ये क्या लगा लिया? आपने तो बोला कमरे की सारी चीजें लगा दो। इस तरफ लगाया था, इधर खाली रह गया, इस तरफ भी लगा दिया तो ज्यादा हो गया, तो मैंने यहाँ लगाया। लगाते लगाते पूरे चेहरे पे। अच्छा नहीं लग रहा हूँ? बहुत अच्छे लग रहे हो। इसलिए सब लोग नजर लगाएंगे सोचकर ये काला टीका भी लगाया। हाँ। तुमने बहुत अच्छा काम किया, पर भाइयों के आने से मालकिन को भी दिखा दूं क्या? ब्रुम 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 ब्रुम।
नंदिनी तू कह रही थी ना कि तुझे गांव देखना है, पर तुझे कौन दिखाएगा? उसके लिए ये सही रहेगा। कौन? चंटी। हाँ, वो दिखने में मासूम है लेकिन गांव की सभी जगह को जानता है। सुबैया। आ रहा हूँ मैम साहब, क्या चाहिए आपको? कॉफी, टी, मिल्क, बटर मिल्क, क्या चाहिए बताइए। ये सब मुझे नहीं चाहिए, बस थोड़ी मदद चाहिए। मुझे खाना बनाने के अलावा कुछ करना नहीं आता मैडम। तो क्या तुम उपकार भी नहीं करते? उपकार क्या? यू मीन हेल्पिंग? हाँ। अच्छा बताइए क्या करूँ? पहले वादा करो। वादा? अगर भाभी पूछे तो कह देना कि नाश्ता करके दोपहर का खाना भी खा लिया। क्यों? क्योंकि आज मैं अपने कमरे से बाहर नहीं निकलने वाली। अरे बाप रे, दाल में कुछ काला लग रहा है मुझे तो। मैं इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। तुम्हारे बारे में भैया से कह दूंगी। मेरे बारे में क्या बोलेंगे मैम साहब? यही कि तुमने मेरा हाथ पकड़ा था और फिर मुझे वादा किया था। बाप रे, ये बात आपके भाइयों को पता चल गई तो बाकियों के तो बाल ही काटते हैं, मेरा तो खाना बनाने वाला हाथ ही काट लेंगे। आपके पैर पड़ता हूँ। अरे नहीं, अगर आपके पैर पड़ा तो मेरे पैर तोड़ देंगे। मेरा बाप पता नहीं कौन सा पाप करके गया है, 12 बजे का घंटा भी ठीक से नहीं देख पाता। ऊपर से ये कौन सी नई मुसीबत आने वाली है। अरे बाप रे, मतलब नहीं करोगे? क्यों नहीं करूँगा मेरी माँ, जो बोलोगी वो करूँगा। कोई रास्ता भी नहीं है, हाथ नहीं कटवाना चाहता, पैर भी नहीं कटवाना चाहता। ब्रूं, 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 ब्रूं। मैं सब आप हो क्या? सब भैया तुम्हारी राह देखकर चले गए, तुम्हें पता है क्या? मेरे लिए क्या? वो क्यों? वो तुमसे कहने वाले थे कि मुझे गांव के खेत और बगीचे दिखाओ। ओ, ऐसा क्या? तो एक मिनट रुको, मैं गाड़ी लेके आता हूँ। गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं चाहिए। नहीं चाहिए? तो हम अपनी गाड़ी पर चलते हैं। चलो जल्दी जल्दी आओ। चंटी, तुम मेरा एक काम करोगे क्या? हाँ जरूर करूंगा मैम साहब, बोलो। पहले वादा करो, बात सुनोगे? करो ना। ये लीजिए मेरा वादा, अब बोलो क्या करूं? भैया को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ आई हूँ। अरे बाप रे, ये आप क्या कह रही हैं? आपके भाइयों ने तो लाने के लिए कहा था ना। वो तो मैंने ऐसे ही कहा था। चंटी, किसी को नहीं बताओगे ना? चंटी कभी अपना वादा तोड़ता नहीं। मामूली बुखार है, जल्दी ठीक हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। इतने सारे डॉक्टर्स को बुलाने की क्या जरूरत थी? आपकी बहन को मामूली सा बुखार है, ज्यादा देर पानी में रही होगी इस वजह से सर्दी खांसी हो गई है, और कुछ नहीं। मैंने दवाई दी है, वो सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएगी। घबराने की जरूरत नहीं है, मैं चलती हूँ, ठीक है? सुबह से तो नंदिनी अपने कमरे से बाहर तक नहीं निकली जेठ जी। कॉफी, चाय, खाना सब कमरे में ही किया था उसने, फिर वो पानी में। हर वक्त चह चहाने वाली मेरी प्यारी बहन कमरे से बाहर नहीं आई। तुम लोगों ने उसे एक बार नहीं देखा, कम से कम मुझे कॉल ही कर देती। क्या करते रहते हो तुम लोग? हाँ, सुबह उठना, खाना पीना, सो जाना, यही काम है। छी, चलो जाओ।